रती सा जलवाड़ी प्यारी घरे आईली सारी महीना मा आवेला एके साल में विद्या के दाता सरस्वती माता नाचब आज पंडाल में। तो हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, एक और ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इतनी छोटा छोटा सा कलाकार है। तो चलिए उनसे मिलते हैं, कुछ बात करते हैं। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा चैनल में पहले आपका स्वागत है भैया। नमस्कार, और आप लोगों के गोड़ छुके गोड़ लगातानी, और ये जो देख रहा बानी ब्लॉग, उनको भी गोड़ छुके गोड़ लगातानी। और हम लोग आज शूटिंग था हम लोग का, और यहाँ पे शूटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो भैया मिले। छोटी, अपना नाम बता दीजिए आप थोड़ा। भैया, हमारा नाम बारानी सिंह, और सबके गौर छुके गौर लगा तानी। जितना भी ब्लॉग देखा तानी, सबसे यही प्रार्थना वा हमारा, हम लोग दोनों को भरपूर आशीर्वाद देते रहें, और हम लोग को अभी शूटिंग था। तो चलिए एक सर से मिलते हैं। तो सर, अपना बारे में बता दीजिए कुछ। नमस्ते भैया, तमाम भोजपुरी समाज के हम गौर छुके नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, और बताना चाहते हैं कि मेरा नाम मुकेश सिंह है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, लाइट इंटरनेशनल स्कूल में, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों। तो ये लोग अच्छा बचपन में कोचिंग में मेरा गाते थे। तो मतलब हम बता देना चाहते हैं दोस्त कि जो है ना, ये छोटा छोटा सा कलाकार है, इनको ये सर है जो गाइड करते हैं, यही ना सर? जी जी जी, बिल्कुल। तो अच्छा गाते थे, तो हम इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आगे बढ़ जाए। ये जो लड़का है, ये लाल बाबू का भाई है, रोशन बाबू, और ये है रानी सिंह, दोनों चाकंद के हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, और अच्छा दो तीन को कंपनी से गाना आया है। तो ये लोग बताएंगे उसके बारे में। तो छोटी, थोड़ा हमको बता दो कि ये समय कब से काम कर रही है? हम अभी 3 महीने से काम कर रहे हैं। छोटू, तुम बता दो। हम भी 3 महीने साथ में दोनों काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दोनों का हम लोग का प्रोजेक्ट एक ही साथ आता है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि देख सकते हैं, एज आप लोग देख सकते हैं, आपका एज कितना है? मेरा 9 साल हो रहा है। समझिए, 9 साल में, 9 साल में इतना ज्यादा मेहनत कर रही है। अभी छोटी है जो मैं, अगर बड़ा होगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो बहुत आगे जा सकती है। क्योंकि इनका हम गाना भी सुने, और शूटिंग लोकेशन पे हम आए हुए थे, गाना सुने और बहुत अच्छा लगा, इनका बहुत अच्छा गला है। तो हम यही बोलेंगे कि इनका चैनल पे जाइए, चैनल का लिंक है जो हम डाल देंगे। तो छोटी, बताओ कि तू जो काम करती है, तो घर से सपोर्ट आपको कौन कौन करते हैं? मेरे पूरे फैमिली करते हैं। तुमको छोटू? मेरे पूरे फैमिली सपोर्ट करते हैं, भैया लोग भी करते हैं, सर करते हैं, सबका आशीर्वाद है। तो अच्छा, अभी जो शूटिंग हो रहा था, वो कौन सा गाना था आपका? एक आड़ी वाड़ी था और एक होली सॉन्ग था। अच्छा, तो ये गाना तो अभी नहीं सुनेंगे क्योंकि अभी चैनल पे नहीं चढ़ा है, लेकिन जो पहले वायरल गाना है या पहले जो शूट हुआ है, वो थोड़ा गाना गाकर बताएंगे आप? जरूर, थोड़ा बता दीजिए। सरस्वती माँ का गाना रिलीज हुआ है। चलिए, अच्छा बात है, सरस्वती माँ का ही गाना सुना दीजिए आप। मैया के मूर्ति सा जलवाड़ी प्यारी घरे आईली सारा साथी दुलारी, खुशी के दिनवा जनवरी महीनावा आवेला एके साल में। विद्या के दाता सरस्वती माता नाचब आज पंडाल में। विद्या के दाता हई सरस्वती माता नाचब आज पंडाल में। विद्या के दाता सरस्वती माता। बहुत अच्छा दोस्त, आप लोग सुनेंगे सॉन्ग कितना अच्छा लगा, यानी समझ सकते हैं अभी, मतलब छोटा बाबू धमाका कितना बड़ा कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा। अच्छा, आपका यूट्यूब पे क्या नाम सर्च करने से आपका गाना आ जाएगा? आप दोनों का रानी सिंह एंड लाल बाबू, क्या रोशन बाबू, सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अभी जो शूटिंग हो रहा था, कितने सॉन्ग का शूट हुआ अभी पे? 2 सॉन्ग का हुआ है। तो सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कुछ भी करने के लिए गुरु की जरूरत होती है, जैसे किसी को गाइड करने के लिए गुरु की जरूरत होता है, इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है? हम तो कोशिश करते हैं बच्चा लोग को जहाँ तक आगे करने का कोशिश करते हैं, हम यही करते हैं कि कंपनी से बात करते हैं। कंपनी, अभी 3 कंपनी हमारे बात हुई है, जो तीनों कंपनी इन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, और इन लोग का काम इतना अच्छा उनको पसंद आया, इन लोग का गाना और इन लोग का डांस, कि तीनों कंपनी फ्री में इन लोग का प्रोजेक्ट ले कर रहे हैं। नेहा फिल्म्स है, और BFTF म्यूज़िक है, और
मुस्कान म्यूजिक है जो मुकेश भैया मुस्कान म्यूजिक का भी मुस्कान म्यूजिक फतेहपुर उनको से भी हम ब्लॉक किए हैं, तो यानी इनका मतलब पैसा नहीं आप लगाते हैं और एक हाँ कंपनी वाला ही लगा रहा है और इसका मान के चलिए तो एक गुरु के रूप में आप इनका बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो सर ऐसा आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, तो इन इन दोनों को हेल्प करके आपको कैसा लगता है सर? बहुत खुशी मिलता है। जब पहली बार हम जो है कुछ बच्चों को खेल में आगे ले गए थे, तो अभी हाल ही में लाल बाबू को कार मिला, अच्छा बहुत छोटा सा था, तो लाल बाबू को बहुत मेहनत किए आगे बढ़ाए। भैया हम आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस बच्चे को भी आगे बढ़ाएं, ये भी छोटा सा बच्चा है, लाल बाबू का भाई ही है और ये रानी सिंह है जो बगल गांव की हैं, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को सपोर्ट कीजिए। जैसे लाल बाबू को आज कंपनी वाला कार दिया, BMW बाइक दिया, तो बहुत सारा गिफ्ट मिला है उसको, महंगा महंगा गिफ्ट मिला है जो कि एक पहचान बनाया है भोजपुरी समाज में, यूपी में भी उसका गाना बजता है। तो हम चाहते हैं कि उसी तरह से इन बच्चों को भी, हमको पता है कि पब्लिक सपोर्ट करेगा, एक बार जो गाना इनका देख लेगा ना दीवाना हो जाएगा। मतलब आप गाना सुने तो आपको लगा ही होगा कि कैसा अच्छा, ये नॉर्मल स्टूडियो में अगर होता होगा, एडिटिंग होता होगा, मिक्सिंग होता होगा, कितना सुरीला आवाज, कितना मीठा आवाज आता होगा। तो छोटी हमको ये बताओ कि जो सर हैं इतना गाइड करते हैं आपको नहीं पेरेंट्स की तरह, और एक हर बच्चा के लाइफ में एक गुरु की जरूरत होती है कि नहीं, तो आपको ये हेल्प करते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमें तो रोना आ जाता है और हमको लगता है कि जिंदगी में ऐसा कोई माँ बाप के सिवा कोई होगा ही नहीं। मम्मी पापा और गुरु, हाँ। ऐसे तीन चीज को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है, मम्मी पापा और गुरु। छोटू अपने बारे में बता दो, सर के बारे में आपको कैसे? सर तो हम लोग का बचपन से आज तक यहाँ तक पहुँचाने आए हैं, और लाल बाबू को तो आगे बढ़ा दिए, सर ही का देन है कि आज वो स्टार है, भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक नाम बनाया है। और हम लोग का भी सर बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब जहाँ मतलब जाते हैं सर, प्रोग्राम रहता है स्टूडियो सर ले जाते हैं, और हम लोग का दोनों का गाना भी आने वाला है मुस्कान म्यूजिक से और BFTS म्यूजिक, जिनका मालिक है करणलाल यादव और मुस्कान म्यूजिक का मालिक है मुकेश सिंह। तो हम आप लोग से एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जो गुरुजी हैं ना आपके सर हैं ना, आपको इतना गाइड करते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग पूरी लाइफ में इनको कभी भूलिएगा नहीं है, मेरे तरफ से इसको जो समझिए। नहीं ऐसा बात नहीं, नहीं ऐसा है, बात नहीं है। हम लोग सर को नहीं भूल सकते, क्योंकि हर चीज करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है ना, तो गुरु के रूप में आपको साक्षात यानी गॉड बोलिए, क्योंकि गॉड एक होता है जो ऊपर होता है, एक जो होता है हम लोग की हर चीज यानी पूरा करता है, तो इसके रूप में आप काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। क्या क्या स्ट्रगल होता है हम लोग जो माता पिता रहते हैं वो तो सिर्फ जन्म देते हैं, उसके बाद जो रास्ता दिखाते हैं वो गुरु का ही देन रहता है, जो कि क्या रास्ता कैसे चलना है, रास्ता है रास्ता पे क्या करना है, आगे क्या करवाते हैं सर ही सब मतलब सपोर्ट रहता है सर। तो सर मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया करेंगे, और तमाम सभी लोगों को कहेंगे कि इनका सब जो है आपका जो ये चैनल है सबको सिमोद तेजू ब्लॉग जो है इनका सिमोद भैया का, इसको शेयर करें वीडियो को सब तक जाए, ताकि ये बच्चों को सब देख पाए सुन पाए। हम सभी को कहेंगे, बस तीन कंपनी में भी इनका गाना आना है, BFTF म्यूजिक, नेहा फिल्म्स और मुस्कान म्यूजिक। मुस्कान म्यूजिक का दो शूट हो गया है, बाकी में अभी शूटिंग नहीं हुआ है, सिर्फ रिकॉर्डिंग हुआ है और यहाँ शूट हो गया, तो इनका बहुत जल्द आने वाला गाना। और भैया हम कहेंगे अंत में जाते जाते एक गाना बच्ची से और सुन लें, इसका रिक्वेस्ट है। लागी लानी के लागीला मैया के बिंदिया लीला रे बड़ी निक लागीला, मैया के बिंदिया लीला रे बड़ी निक लागीला, नक में नथुनिया काने सोभेला कुंडा लावा, तिरिया धनुया हाथ सोभेला दीवारावा, साजिला बड़ी साजिला मैया के बिंदिया लीला रे बड़ी निक लागीला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इनका देखिएगा डांस, गाना से अच्छा आपको डांस लगेगा, क्योंकि डांस ये बहुत अच्छा करती है। सर बता दीजिए कि जब ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो गाना कब तक आ जाएगा? सर ये बहुत जल्द आने वाला है, होली सॉन्ग है, तो ये आपको हमको लगता है कि दो चार दिन में आ जाएगा, दो चार दिन में ही आ जाएगा। सर हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि इनका जहना जो अभी ब्लॉग किया है ना, जहना इनका सॉन्ग आएगा
उसी दिन हम ये ब्लॉग को छोड़ेंगे और वो जो गाना का लिंक है हम अपना डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि आप लोग देख सकें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका आवाज़ आ रही है, हम डांस देखे, सॉन्ग देखे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम ब्लॉग को डालेंगे उसी दिन डालेंगे जिस दिन इनका गाना रिलीज होगा, ताकि आप लोग भी इनका गाना सुन सके, देख सके कि कैसा गाते हैं। तो आपको जितना पसंद करते हैं व्यूअर्स उनको कुछ बोल दीजिए सपोर्ट ये सब करने के लिए, कुछ प्लीज हम लोग को सपोर्ट देते रहें, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जैसे लाल बाबू को प्यार दुलार देते थे वैसे हम लोग को भी देते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक अगला ब्लॉग में मिलते हैं, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा, तब तक के लिए बाय बाय, अगला ब्लॉग में मिलते हैं, फोटो खींच दीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।